सुप्रभात। कक्षा 12 विषय इतिहास, हमारा पाठ है राजा किसान और नगर। बच्चों, उसके आज आगे हम देखेंगे मौर्य समाज की प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले है इसमें केंद्रीय स्थान। सम्राट जो है वो सर्वोच्च होता था, सारी शक्तियां उसी के पास थी। नियमों का निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश, सेना नायक, प्रमुख कार्यकारिणी का वो अध्यक्ष होता था। फिर राजा के अधिकारियों के क्या दायित्व होते थे, वो राज्य कार्य में उसकी सहायता करना। परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद की भी स्थापना थी। मंत्रियों के अतिरिक्त अमात्य, महामात्य तथा अध्यक्ष आदि थे। अमात्य मंत्रियों के अधीन विभागों का कार्य देखते थे। फिर है प्रांतीय शासन। मौर्य शासकों ने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। देखिए, इधर प्रांत लिखी है और बगल में उसकी राजधानी लिखी है। उत्तरी प्रांत तक्षशिला, पश्चिमी है उज्जैन, दक्षिणी है स्वर्णगिरी, कलिंग है, उसकी राजधानी है तोसली। फिर केंद्रीय प्रांत है, उसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। इसके बाद है प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रत्येक नगर की एक नगर पालिका तथा न्यायपालिका थी। न्यायाधीशों की सहायता हेतु न्यायाधिकारी होते थे। नगर पालिका में अध्यक्ष की सहायता हेतु 3 सदस्यीय कमेटियाँ बनी थी, जो कि छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थी। उसके बाद फिर है ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था। तो ग्राम का मुखिया जो है वो ग्रामीण कहलाता था। यहाँ पर कार्य करने के लिए गोप की नियुक्ति होती थी। गोप जो है वो गांवों का पूरा लेखा जोखा सारा वो रखते थे। फिर दंड विधान इसके अंतर्गत, देखो ये बहुत ही कठोर था, उसमें विभिन्न प्रकार के दंड का विधान था। मृत्यु दंड है, आपराधिक अंग भंग कर देना, आर्थिक दंड है, कई सारे ये दंड जो है वो अलग अलग उसके मतलब अपराध के लिए दिए जाते थे। फिर सेना प्रणाली कैसी थी, पैदल थे, घुड़सवार थे, सेना में हाथी भी थे, वरथ थे। मेगास्थनीस के अनुसार युद्ध मंत्रालय पूरा स्थापित किया गया था। उसके बाद आता है समाज, कला, शिक्षा तथा उसकी आर्थिक स्थिति। कृषि यहाँ पे लोगों का मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन, शिल्प कला, उद्योग काफी उन्नत अवस्था में थे। साहित्य और शिक्षा का भी बहुत प्रचार था। तक्षशिला बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ दर्शन शास्त्र, साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। अशोक पहला सम्राट था जिसके बनवाए गए स्तंभ शिल्पकला के अद्भुत उदाहरण है। कुल मिला के सार यह है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से एक आदर्श शासन प्रणाली स्थापित की, जो कि वर्तमान में भी अतुलनीय है। अब मौर्य साम्राज्य का महत्व क्यों था, कला के क्षेत्र में बहुत उन्नत अवस्था थी, मौर्य सम्राटों के अभिलेख थे और अशोक की महानता थी। कमजोरियां उनकी क्या थी, वो केवल 150 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहा और मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार नहीं हो पाया। अब हम मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। अभी हमने देखा कि इसमें यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि था। कृषकों को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था और उनको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। गेहूं, जौ, चावल, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, कपास, बाजरा आदि की खेती की जाती थी और सिंचाई जो है वो कुओं से, जलाशयों से और नहरों द्वारा की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में मतलब गुजरात में सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद आता है पशुपालन, ये भी एक प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधे, ऊंट, सुअर, ये सब प्रमुखता से पाला जाते थे। अच्छा चारागाहों की व्यवस्था थी तथा पशुओं के लिए अलग से उनके चिकित्सक भी होते थे और अलग उनका विभाग भी होता था। फिर उद्योग धंधे हैं, इसमें अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। सूती, ऊनी, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र बुने जाते थे और मेगास्थनीज ने भी भारतीय वस्त्र उद्योगों की प्रशंसा की है। वस्त्रों पर सोने का काम होता था, उन्हें रत्नों, फूल पत्तियों इत्यादि से कढ़ाई भी उसमें किया जाता था। फिर श्रेणियां थी, मौर्य काल में शिल्पियों तथा व्यवसायियों की अपनी एक श्रेणियां होती थी, मतलब एक उनका संगठन होता था और एक प्रकार के धंधे करने वालों ने अलग अलग अपनी श्रेणी का गठन कर लिया था, जिनको राज्य की ओर से सहायता भी दी जाती थी और उनको भी, उन श्रेणियों को भी सरकारी नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक व्यापार के लिए देश में सुरक्षित स्थल मार्ग थे, जिसमें कि पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जाने वाला राजपथ अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तक्षशिला, उज्जैनी, कौशाम्बी, काशी, पाटलिपुत्र आदि व्यापार की मंडियां थीं, जहां वस्त्र, मदिरा, धातुओं के बर्तन सभी का क्रय विक्रय होता था।
इसके बाद आता है मुद्रा। मौर्य काल में नियमित सिक्कों का प्रचलन था। सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। अर्थशास्त्र में सुवर्ण, कारशापण, पड़ या धारण, माशक, काकणी आदि मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद बच्चों समुद्रगुप्त का चरित्र और व्यक्तित्व हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।